नमस्कार दोस्तों, एनके नौकरी क्रेकर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में रेलवे ग्रुप डी में अभी तक कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं उसका मैं सही डाटा बताने वाला दोस्तों, बिल्कुल ऑफिशियल डाटा बताने वाला हूँ। 11 अप्रैल तक जितने भी फॉर्म भरे जा चुके हैं, जितने भी स्क्रीनशॉट आए हैं उसी का मैं डाटा कलेक्ट करके बता रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे बिल्कुल वीडियो की स्किप नहीं कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे मैं सेफ जोन, डेंजर जोन और नॉर्मल जोन के बारे में बताऊंगा दोस्तों, और किस जोन से आपका फॉर्म भरना सही रहेगा दोस्तों, पूरा डिटेल्स में बताऊंगा दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्थन रेलवे दिल्ली से टोटल 12,91,199 फॉर्म भरे जा चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल वैकेंसी 13,153 है और यहाँ पे एक सीट पे 98 कैंडिडेट यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। सेकंड में देख सकते हैं ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, यहाँ पे 9,58,676 फॉर्म भरे जा चुके हैं अभी तक। यहाँ पे 10,883 फॉर्म सीट है यहाँ पे और एक सीट पे 88 कैंडिडेट यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। नेक्स्ट में आप देख सकते हैं सेंट्रल रेलवे मुंबई, यहाँ पे 7,26,926 फॉर्म भरे जा चुके हैं अभी तक 11 अप्रैल को। यहाँ पे टोटल वैकेंसी 9,348 है और यहाँ पे 77 एक सीट पे फाइट कर रहे हैं। यहाँ पे नेक्स्ट में आप देख सकते हैं साउथर्न रेलवे चेन्नई, यहाँ पे 7,71,624 फॉर्म भरे जा चुके हैं। यहाँ पे 9,529 वैकेंसी है, यहाँ पे एक सीट पे अभी तक 80 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। आगे देख सकते हैं सेंट्रल रेलवे मुंबई, यहाँ पे 7,98,226 फॉर्म भरे जा चुके हैं। यहाँ पे 10,734 वैकेंसी, यहाँ पे एक सीट पे 74 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि आज 11 तारीख हो चुका है दोस्तों, कल आखिरी डेट है दोस्तों। आज ही फॉर्म को अप्लाई कीजिए, क्या पता कल वेबसाइट क्रैश भी हो सकता है दोस्तों। एक साथ बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं की वजह से वेबसाइट क्रैश भी हो सकता है दोस्तों, तो आज ही भर दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट में साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद, यहाँ पे 7,98,624 फॉर्म भरे जा चुके हैं और यहाँ पे टोटल वैकेंसी 9,328 है और एक सीट पे 85 कैंडिडेट यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। अब आगे देख सकते हैं साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली, यहाँ पे 5,45,306 फॉर्म भरे जा चुके हैं, 7,164 वैकेंसी है सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 76 कैंडिडेट एक सीट पे फाइट कर रहे हैं। नेक्स्ट में आप देख सकते हैं नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर, यहाँ पे 6,45,152 फॉर्म भरे जा चुके हैं अभी तक। यहाँ पे 5,249 सीट वैकेंसी यहाँ पे खाली है, यहाँ पे 122 कैंडिडेट एक सीट पे फाइट कर रहे हैं। यहाँ पे अब नेक्स्ट में देख सकते हैं साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, यहाँ पे 3,90,624 फॉर्म अभी तक भरे जा चुके हैं। यहाँ पे टोटल वैकेंसी 4,914 है और यहाँ एक सीट पे 79 कैंडिडेट यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। नेक्स्ट में आप देख सकते हैं नॉर्थ सेंट्रल रेलवे अलाहाबाद, यहाँ पे 7,58,226 फॉर्म भरे जा चुके हैं। यहाँ पे टोटल वैकेंसी 7,730 है और एक सीट पे सबसे ज़्यादा 160 कैंडिडेट यहाँ पे फाइट कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे वैकेंसी कम हो चाहे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है अलाहाबाद में। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट में आप देख सकते हैं वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर, यहाँ पे 4,37,642 फॉर्म भरे जा चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं 4,019 वैकेंसी है। यहाँ पे एक सीट पे लगभग 108 कैंडिडेट यहाँ पे फाइट कर रहे हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट में आप देख सकते हैं, अगर आप फॉर्म भर चुके हैं तो आप देख सकते हैं कि जोन से कितना फाइट हो रहा है दोस्तों। अगर आप नहीं भरे हैं अभी तक फॉर्म तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आप सही समय पे आप फॉर्म भरने जा रहे हैं। यहाँ पे नेक्स्ट देख सकते हैं नेक्स्ट जोन के बारे में, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों नेक्स्ट में आप देख सकते हैं जो यहाँ पे गोरखपुर पे देख सकते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर में आप देख सकते हैं दोस्तों 5,06,732 फॉर्म भरे जा चुके हैं। टोटल वैकेंसी 4,002 है और एक सीट पे 126 कैंडिडेट यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। नेक्स्ट में आप देख सकते हैं ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर, यहाँ पे 4,69,247 फॉर्म भरे जा चुके हैं, 3,563 वैकेंसी है और यहाँ पे एक सीट पे 131 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। नेक्स्ट में आप देख सकते हैं नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी, यहाँ पे लगभग 2,90,162 फॉर्म भरे जा चुके हैं। टोटल वैकेंसी 2,894 है, यहाँ पे एक सीट पे 100 कैंडिडेट यहाँ पे फाइट कर रहे हैं दोस्तों। मैं लास्ट में आपको नॉर्मल जोन के बारे में बताऊंगा, क्योंकि वो जोन से आप भरना आपका सेफ हो सकता है दोस्तों। वीडियो का अंत तक देखिए दोस्तों, यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं बचा। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट में ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर, यहाँ पे 2,70,118 फॉर्म भरे जा चुके हैं। टोटल वैकेंसी 2,00,2,555 है और यहाँ एक सीट पे 105 कैंडिडेट यहाँ पे फाइट कर रहे हैं।
नेक्स्ट में आप देख सकते हैं साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर, यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल फॉर्म 2,29,927 भरे जा चुके हैं। यहाँ पे टोटल वैकेंसी आप देख सकते हैं 1,664 है और एक सीट पे 168 कैंडिडेट यहाँ पे हाइट कर रहे हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे डेंजर जोन के बारे में दोस्तों, अभी तक सबसे ज़्यादा डेंजर जोन इलाहाबाद हो चुका है, यहाँ पे 160 कैंडिडेट एक सीट पे फाइट कर रहे हैं। नेक्स्ट में आप देख सकते हैं दोस्तों बिलासपुर में देख सकते हैं 138 कैंडिडेट एक सीट पे फाइट कर रहे हैं। अब उसके बाद हाजीपुर में देख सकते हैं एक सीट पे 131 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। नेक्स्ट में जयपुर में देख सकते हैं एक सीट पे 122 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। और नेक्स्ट में गोरखपुर देख सकते हैं एक सीट पे 126 कैंडिडेट यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। और उसके बाद आप सेफ जोन के बारे में देख सकते हैं दोस्तों, सेफ जोन यहाँ पे मुंबई वेस्टर्न रेलवे जो अहमदाबाद और मुंबई दोनों आता है वेस्टर्न रेलवे में, 74 कैंडिडेट एक सीट पे फाइट कर रहे हैं। यहाँ पे हुबली में देख सकते हैं 76 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। मुंबई सेंट्रल रेलवे में 77 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। कोलकाता साउथ ईस्टर्न रेलवे, कोलकाता और रांची इसमें आता है, इसमें 79 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। और नेक्स्ट में आप देख सकते हैं चेन्नई में एक सीट पे 80 कैंडिडेट यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। अब यहाँ पे नॉर्मल जोन के बारे में देख सकते हैं दोस्तों, मैं नॉर्मल जोन के बारे में क्यों बनाए हैं मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि अभी तक सेफ जोन और डेंजर जोन के बारे में हम लोग जानते हैं तो, लेकिन इसमें हो क्या रहा है कि अक्सर लोग फॉर्म जो अंतिम तारीख को ही भर रहे हैं, 10, 11, 12 अप्रैल को लास्ट डेट है तो 11, 12 को ही भर रहे हैं, तो एक एक साथ मतलब एक दिन में लगभग 70, 80 हज़ार, 1 लाख तक भी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, जो पहले एक दिन में 10,000, 15,000 अप्लाई कर रहे थे। तो इसमें कहना मुश्किल है दोस्तों कौन सा सेफ जोन होने वाला है, कौन सा डेंजर जोन। तो यहाँ पे जो डेंजर जोन अब तक का था वो अब सेफ जोन बन चुका है, और जो सेफ जोन है डेंजर जोन बन चुका है, और कहा नहीं जा सकता है कि कौन सा सेफ है और कौन जो डेंजर है। तो यहाँ पे सबसे अच्छा होगा आपके लिए यहाँ पे दोस्तों नॉर्मल जोन से फॉर्म भरना, क्योंकि नॉर्मल जोन अभी तक हाइडलाइट नहीं हुआ है दोस्तों, क्योंकि अक्सर यूट्यूब में वीडियो बन रहे हैं यहाँ पे बताया जा रहा है नॉर्मल जोन और सेफ जोन को हाईलाइट कर दिया जा रहा है, तो नॉर्मल जोन के बारे में हाईलाइट नहीं हुआ, मैं ही पहला वीडियो बनाया है नॉर्मल जोन के बारे में। तो अगर आप सेफ स्कोर करना चाहते हैं, सेफ रहना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्मल जोन, यहाँ कोलकाता ईस्टर्न रेलवे में वैकेंसी अच्छी खासी है यहाँ पे, और एक सीट पे 88 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। यहाँ पे लगातार ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है दोस्तों, और जोन में बढ़ रहा है, यहाँ पे सिकंदराबाद में देख सकते हैं एक सीट पे 85 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं, और ज़्यादा बढ़ने वाला भी नहीं है, क्योंकि अभी ये सब हाईलाइट नहीं हुआ। अगर कोई कॉपी करके बनाता है तो ज़्यादा लोग देखते हैं तो हाईलाइट हो जाएगा, तो अभी तक का सेफ है ये। और दिल्ली देख सकते हैं बहुत ज़्यादा सीट है, 13,153 है, यहाँ एक सीट पर 98 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। गुवाहाटी में एक सीट पे 100 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं, यहाँ सीट कम है और कम लोग अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा भर जा, कम से 2-2.5 लोग यहाँ अप्लाई कर लिए, वैकेंसी कम है इसलिए 100 यहाँ पे रह रहा है अभी एक सीट पे कंपटीशन। यहाँ पे भुवनेश्वर देख सकते हैं एक सीट पे 105 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। दोस्तों लोगों को मानना है कि जिसमें वैकेंसी कम है उसमें कम लोग अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों, तो अभी तक नॉर्मल जोन है, आप इसी जोन से अप्लाई कर सकते हैं अगर आप सेफ स्कोर करना चाहते हैं, आप सेफ जोन में रहना चाहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के रेगुलर वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, इससे टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।